प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान निवार पर तमिलनाडु और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मौसम विभाग ने बताया, बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण पूर्व में कम दबाव वाला क्षेत्र निवार चक्रवाती तूफान में हुआ परिवर्तित। एनडीआरएफ की 30 टीमें हर संभव स्थिति से निपटने के लिए तैयार। गुजरात के केवड़िया में कल से शुरू हो रहे 80वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संविधान की गरिमा कायम रखने के लिए करना होगा सामूहिक प्रयास। धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई और ठाणे में 10 जगहों पर छापेमारी जारी। सुरक्षा मुहैया कराने वाले समूह टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर्स और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से विजय सिन्हा होंगे उम्मीदवार, जबकि विपक्ष की ओर से अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन। अध्यक्ष पद के लिए कल होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए तक सीमित रखने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। भारत में कोरोना रिकवरी रेट पहुंची 93.76% पर। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। विश्व में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या पहुंची 5,94,00,000 के पार। मरने वालों की संख्या हुई 14,00,000 से ज्यादा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों की सख्त प्रणाली का ऐलान। जर्मनी में लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ाने का फैसला। नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की अपनी टीम की घोषणा। लंबे समय तक विदेश नीति सलाहकार रहे एंटनी ब्लिंकन होंगे विदेश मंत्री, वहीं जॉन कैरी संभालेंगे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा विभाग। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के पदभार संभालने के औपचारिक परिवर्तन को किया स्वीकार। और देश भर में आज मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि, कहा गुरु तेग बहादुर ने जनता की आस्था, विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए दिया था सर्वोच्च बलिदान।